हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वत स्टडी। आज हम प्रतिशत के इस दूसरे वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। प्रतिशत से रिलेटेड मैंने एक वीडियो और बनाई है जो कि पार्ट वन थी, तो आप उसको जाके देख लीजिए, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये वीडियो। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले तो मैंने इसके पहले जो बताया था वीडियो में, तो वो था हमारा क्षेत्रफल, मतलब आयत का हमने क्षेत्रफल के बारे में जाना था पिछली वीडियो में। अब यहां है आयतन, है ना, हमको आयतन कितने प्रतिशत कमी होगी ये पता करना है। तो आयतन में क्या होता है कि अगर हम किसी, मान लो एक ये आयत है और इसका हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल, तो हमने ये चारों भुजाओं से निकाला, है ना, लंबाई और चौड़ाई, है ना, लंबाई दो और चौड़ाई दो, तो चार से निकाला। लेकिन आयतन में क्या होता है, यहाँ एक ऊंचाई भी, मतलब वो हो जाती है, ऐड हो जाती है ना। ऊंचाई कैसे ऐड हो जाती है, यहां रहता है ना ऊंचाई, तो ऊंचाई भी इसमें ऐड हो जाती है। अगर मान लो ये आयत है और इसकी ऊंचाई कैसी होगी कि ये मान लो, है ना, ये, तो यहां आ जाएगी ये इसकी ऊंचाई, ये जो है ये कहला जाएगी ऊंचाई, तो ऊंचाई भी इसमें ऐड हो जाती है। मतलब अगर हम आयत का देखें तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई रहती है, लेकिन यहां अगर हम आयतन लेंगे तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी ऐड हो जाएगी। तो यहां यहां दो चीज होंगे, यहां तीन चीज होंगे, इसलिए हमको जो अब करना पड़ेगा इसमें गुणा जो करेंगे हम, वो तीन बार करेंगे। कैसे, अब एक गोले का व्यास में 10% की कमी की गई, तो मान लो गोले का व्यास कितना है 100, है ना, अब उसमें 10% की कमी की गई मतलब 90, है ना, 10% की अगर हम कमी कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या, 90 बचेगा ना, तो हम 10% की कमी कर दिए तो 90 बचा, तो अब हम 90 से लेंगे, तो पहले 10% की कमी, फिर दूसरे वाले के लिए लेंगे, तीन बार लेंगे, है ना, तो 90 और क्या करेंगे हम, बटे में 100 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अब हम पूरे टोटल का 10% निकाल रहे हैं, तो 100 बटे में लेंगे। अब एक बार और लेंगे क्योंकि इसमें तीन है, ऊंचाई भी ऐड है, तो एक बार और लेंगे 90/100, इस तरीके से आपको कर लेना है। अब इसको करना है सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये करेगा और एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा और एक जीरो से ये कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास 9 = 81, कितने 9 बचे हैं, 1, 2, 3, 3 9 बचे हैं ना, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, तो हम गुणा करते हैं, 9 = 81 और गुणित 9, 9 एक और है ना, और बटे में क्या है ओनली 10। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, 9 = 81 हो गया है और 9 का फिर गुणा करना है, तो 9 का गुणा कर देते हैं, तो 9 = 9, 9 = 8, 72, मतलब 729/10, और इसको हम दशमलव लगा देंगे तो 72.9 ये आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते थे, पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि इसको अब हम 100 से कंपेयर करेंगे, मतलब हमारे जो टोटल था वो 100 है, तो इससे अगर हम इससे माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये माइनस कर दो, तो यहां अगर हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहां मान लो 100 है, दशमलव में हम जीरो ले लेते हैं, और यहां 72 और दशमलव में 9 है, तो 9 10 से इस जीरो के माने 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहां 3 हो जाएगा, 10 के माने जीरो के माने 10, 10 में से 3 जाएगा 7, है ना, ये बचेगा, और यहां हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा ना, एक उदाहरण लिया था, तो 8 हो जाएगा, तो 10 में से 2, 8 से 2 बचेगा, अगर 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 27.1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि 27.1 की कमी होगी, है ना, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब हमारा क्या है, बेलन, तो बेलन, बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई में 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये करना है, इसको भी वैसे ही करना है। कैसे, हम बता रहे हैं, तो कैसे करेंगे, बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई, तो सबसे पहले बेलन तो कैसा होता है, बेलन को अगर हम बनाएं तो ये बनता है इस टाइप से, है ना, बेलन को इस टाइप से अगर बना दें तो इसमें जो त्रिज्या होती है वो 2 होती है, है ना, यहां और यहां होती है, है ना, तो अब इसकी त्रिज्या में 5% बढ़ाई गई, तो मान लेते हैं त्रिज्या क्या है 100, है ना, 100 मान लिए, अब उसमें 5% बढ़ाया गया, मतलब ये अगर 5% 100 का 5% 5 होता है, 5% बढ़ाएंगे तो 105 हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे 105, ये 105 हमारी क्या आ गई त्रिज्या।
अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आयतन क्या है, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, आयतन में क्या होता है, हमने बताया था ना अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि तीन मान लेना है ना, मतलब अब हम लेंगे 105। अब क्या बोला है कि 105 बढ़ाई गई तो 105 और ले लेंगे, त्रिज्या दो होती है ना तो दो बार त्रिज्या त्रिज्या ही लेंगे, 105 और ले लेते हैं, बटे में क्या लेंगे हम 100 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 100 का 105 क्यों लेंगे, क्योंकि ये 100 का एक पार्ट है ना, मतलब 5% जो है पूरे इसका पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने दो बार, दो त्रिज्या है तो दो बार ले लिया त्रिज्या को, अब एक बार हमको क्या लेना है ऊंचाई, क्योंकि अब जो है ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई लेंगे तो ऊंचाई कितनी है 10%, तो 10% मतलब बढ़ाई गई तो 100 का 10% कितना होता है 10, तो मतलब 110 और 110 बटे 100 करना है, ये करने को हमने बोला था ना पिछले वाले क्वेश्चन में भी, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अब जीरो से जीरो कैंसिल है ना, और यहां जो है 5 से काटेंगे इसको तो 5 × 2 = 10, और यहां काटेंगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 21 आया। अब यहां भी अगर हम काट दे 5 से तो 5 से 5 × 2 = 10 और 0 और 5 × 2 = 10 और 5 × 5 ये आ गया। तो हमारे पास अब बचा क्या है 21 गुणित और ये 11 / 20 × 2 ये बचा। तो अब हम इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 21 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21 × 21 बचा हासिल आई दो 21 × 2 = 42 और 1 = 43 है ना, 42 और 2 बचेगा तो 44 और 11 का फिर गुणा कर देंगे हम इसमें तो हमारे नीचे आ जाएगा 40, 11 का करेंगे गुणा तो 11 × 11 हासिल आई 1, 11 × 44 = 45 हासिल आई 4, 11 × 44 और 4 हो जाएगा 48 ये आ जाएगा बटे 40। अब इसका अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास क्या 121.27 ये आ जाएगा। अब इसको करोगे 100 से कंपैरिजन तो 100 माइनस करो इसमें 221.207 में 100 माइनस करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 21.27 और ये हमारा आंसर कहलाएगा, मतलब इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी वृद्धि होगी है ना, ये प्रतिशत इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष 40% परिवहन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद 50% बचता है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है ना, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले है हमारे पास गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, ठीक है। अब मान लो उसकी जो आय है वो है 100% है ना, अब इसमें दिया भी है उसकी मासिक आय 1840 है, मतलब ये 100% कितनी है 1840, 100% ये है उसकी आय है जो कि कितनी है 18,400 ये उसकी मासिक आय है, ठीक। अब बोल रहा है ये कि 30% भोजन पे खर्च करता है, अब भोजन पे अगर 30% खर्च करेगा, ये जो है भोजन पे खर्च कर देता है 100% से भोजन पे 30% खर्च कर देता है तो उसके पास बचेगी कितनी, बचेगी उसके पास 70%, 30 खर्च करेगा तो 70% बचेगी ना। अब क्या बोल रहा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, अब शेष हमारे पास क्या बचा 70%, इसका क्या करता है वो परिवहन पर कितना खर्च करता है 50%, तो 50% नहीं 40% खर्च करता है किसका परिवहन पर, 40% खर्च करता है तो बचा कितना, यहां बचा अब शेष का हम 100% मतलब 70% है वो शेष कहलाया, इसको हम 100% मानते हैं क्योंकि 70% पूरा बढ़ा बचा तो उसको हम अब उसमें से खर्च कर रहा है तो वो 100% मान लो, तो इसमें से अगर 40% खर्च करता है तो इसमें क्या बचा 60% बचा। अब बोल रहा है इसके बाद 50% बचाता है, इसके बाद क्या करता है वह 50% बचाता है, तो यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो प्रतिमाह वह कितना रुपए बचाता है, मतलब वह 50% बचाता है और ये हमको ज्ञात करना है कितने रुपए बचाता है प्रतिमाह है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 1840 हमारा क्या आ गया 100%, 18,400 रुपए क्या हो गया ये पूरा 100%।
अब जो है इसमें से हमको बचाना, क्योंकि हमको निकालना क्या है कि वह कितने रुपए बचाता है, तो इसलिए हम खर्च करने के नहीं देखेंगे कि 30% खर्च हुआ या 40% खर्च हुआ, ये नहीं देखना हमको, ओनली कितना बचा ये देखना है। मतलब यहाँ 70 बचा, यहाँ 60 बचा, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो 70% बचा, तो 70 और प्रतिशत है तो बटे में 100, यही करते आए हम क्वेश्चन में हर। इसके बाद 60% बचा तो 60 और बटे में फिर 100, ये ले लिया हमने। अब क्या बोला है कि 50% बचता है, 50% जो है ये बचता है, तो 50 भी हम लेंगे, है ना, इन सभी का क्या है उसका 50% बचता है, तो 50 भी हमने ले लिया। अब कर दो इनको सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 0 2 0 ये कटा, 1 0 1 0 और 1 0 ये, 1 0 ये कटा, 1 0 1 0 ये कटा, 5 1 5 5 2 10 ये कटा, 2 1 2 2 3 6 ये कटा, तो हमारे पास बचा क्या, 884 × यहां 7 बचा, 7 लिख दिए, यहां बचा 3 तो 3 लिख दिया, और यहां तो 1 है और यहां नीचे पूरा कट गया है। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ये देख लेते हैं। अब अगर हम इसमें गुणा करें तो हमको प्राप्त होगा 3864, ये प्राप्त होगा, है ना। अब ये प्राप्त हुआ किसका, बचाना, मतलब कितने प्रतिशत बचाना, 50% बचाता है, मतलब इतने रुपए वह खर्च करने पर बचाता है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको करना है ना। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, नारायण अपनी मासिक आय का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष में से 1000 रुपए जो है वो मकान का है, क्या करता है, किराया देता है ना, मकान का किराया देता है, ये है नहीं है, मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 रुपए बचते हैं ना, 1800 रुपए बचते हैं, तो नारायण की मासिक आय ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है हमको मासिक आय। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी करते हैं। अब बोल रहा है नारायण की मासिक आय का 30% शिक्षा पर खर्च होता है। अब मान लो उसका 100% क्या है, उसकी आय है, ठीक है। अब उसकी आय 100% है तो उसकी आय का 30% खर्च हुआ, तो हमने 30% खर्च कर दिया शिक्षा पर, ठीक है, तो बचा क्या उसके पास, 70%, है ना, 30 खर्च करेंगे तो 70% बचा ना। अब बोल रहा है कि शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है, मतलब 70% का 50% क्या करता है, वह भोजन पर खर्च करता है, तो बचेगा क्या उसके पास, 50%, 50 खर्च कर देगा तो 50% बचेगा, है ना। अब फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद शेष में से 1000 मकान का किराया दे देता है, मतलब ये शेष 50% बचा, इसमें से यह माइनस 1000 कर देंगे, क्योंकि मकान का 1000 रुपए वह किराया दे देता है। उसके पास फिर टोटल क्या बचता है, 1800 रुपए बचते हैं, मतलब उसके बाद जो है उसके पास 1800 रुपए बचते हैं इतना खर्च करने के बाद। अब हम इसका क्या निकालते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था कि कितना उसने खर्च किया, यही निकाला था ना हमने पिछले क्वेश्चन में, क्या निकाला था कि वह कितने रुपए क्या कर रहा है कि खर्च कर रहा है, तो उसका प्रति माह कितने रुपए बचाता है, ये निकाला था ना कि कितने माह रुपए बचाता है। तो अब हम यहां निकालेंगे कितने रुपए ये खर्च कर दिया, कैसे, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसी तरीके के आजमाएंगे कि सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं कि जो उसकी टोटल जो है मासिक आय है वो एक्स है, ठीक है, एक्स मान लिए। अब इसको हम करेंगे क्या, 70% वो क्या करता था, बचाता था ना, 30% खर्च कर दिया तो 70% बचाता है, तो 70 ले लेंगे, और बटे में परसेंटेज है तो 100 ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है 50% 70% का खर्च किया, तो 50 ले लेंगे और बटे में 100 ले लेंगे। अब 50% के बाद जो क्या बोल रहा है, शेष में से 1000 रुपए मकान का किराया दे देता है, तो हम इसमें से 1000 घटा देंगे, क्योंकि हमको ये तो परसेंट में दिया नहीं है, ये सीधे बोला है कि खर्च करता है, किराया दे देता है, तो 1000 हम इसमें घटा देंगे। और क्या बोल रहा है, अंत में उसके पास 1800 रुपए बचे, मतलब बराबर 1800 रुपए उसके पास बचे। इस प्रकार से हमने एक इक्वेशन जमा ली। अब इसको कर दो सॉल्व, तो करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, अब देखो यहां हमको कट रहा है तो काट दो, ये कर दिए 0 0 और यहां से भी 0 कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 और यहां काटेंगे तो 5 2 और 0,
ये आ जाएगा, है ना। और 1000 जो ये माइनस में इसको कर देते हैं उस साइड, मतलब x तो गुणित में ही है, यहां बचेगा 7 और यहां बचेगा 20 है, और गुणित में 1 1 तो है ही है। अब यहां माइनस कर देंगे तो यहां बराबर करके माइनस को प्लस में कर देंगे पक्षांतर करके, 1800 प्लस 1000 ये हो गया। अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स तो यही रहेगा और यहां क्या हो जाएगा 20 का हो जाएगा 13 गुणा हो जाएगा ना, तो यहां कितना हो जाएगा पहले ये जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2800, ये आ जाएगा 2800 और 20 का गुणा हो जाएगा 13, है ना। और ये जो 7 है ये गुणित में है, अब इसका पक्षांतर 7 का भी कर दो तो 2800 गुणित 20 बटे क्या आ जाएगा 7। अब 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 दून 14, 7 तीके 7 चौके 28 और यहां 2 जीरो है तो ये आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब x बराबर क्या आएगा 400 गुणित 20 और इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 चौके 8 और 1 जीरो और बढ़ जाएगा 8000 रुपए। मतलब जो आंसर है हमारा वो क्या आ जाएगा, नारायण की मासिक आय कितनी है 8000 रुपए, है ना, और यही हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब हमारा आता है पांचवें नंबर का क्वेश्चन, तो पांचवें नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजय हुआ, ज्ञात करो कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, यह हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए और 900% से वह विजय हुआ, ठीक है। तो अब मान लो जो टोटल मतदाता है वो 100 है, ठीक, 100% है, मतलब 100 है। तो अब क्या बोल रहा है कि जो 2 उम्मीदवार थे, एक मान लेते हैं ए और दूसरा मान लेते हैं बी, है ना, दूसरा उम्मीदवार क्या है बी। अब उसमें क्या बोल रहा है कि एक ए को प्राप्त हुए, मतलब ए जो है जीतने वाला, ए को प्राप्त हुए 65%, है ना। तो जो 100% में से 65% मत तो इसके पास थे, तो इसके पास कितने बचेंगे, 100 में से 65 घटाएंगे तो 35, है ना। मतलब जो बी के पास आए, मतलब दूसरे उम्मीदवार के पास 35% आया, है ना। अब 35% आया और इसके पास क्या है, 900 मतों से वह विजय हुआ, मतलब इससे 900 मत ज्यादा इसको प्राप्त हुए, किसको, ए को, इस बी से 900 मत ज्यादा प्राप्त हुए 65%, मतलब 900 मत ज्यादा प्राप्त हुए ए को बी से। तो मतलब ए में से अगर हम ए के मतदाता में से बी के मतदाता घटा दें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 900 प्राप्त हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके जो है ए के जो है 900 मतदाता ज्यादा है किससे, बी से। तो हम और इससे अगर बी के पूरे मतदाता घटा दें तो 900 का अंतर ही रहेगा ना। तो इस तरीके से हमने इसको ये कर लिया। अब क्या बोल रहा है, ज्ञात करो मतदाता की सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, है ना, ये ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको देखें कि ए की वैल्यू क्या है, मतलब 65% है, है ना, ए कितने 65% है और बी कितने हैं 35% है और बराबर में 900 क्या है मतदाता है, है ना। अगर 65% में से 35% घटा दें तो हमारे पास क्या है, 900 मतदाता बच रहे हैं, है ना, उम्मीदवार टोटल में से। तो यहां कितने प्रतिशत बचेगा, 65 में से 35 घटाएंगे तो 30% बचेगा और यहां 900, है ना। अब इसका हम 30% का 1% निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1% लिखते हैं और यहां से क्या करते हैं 30 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो 900 के बटे में चला जाएगा, है ना। तो 1% यहां बचेगा, अगर हम फिर यहां 13 गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 का गुणा हो जाएगा 1 में तो 30% ही हो जाएगा, तो मतलब हमने पक्षांतर कर दिया। अब 1% बराबर कितना आ जाएगा, ये 0 कट जाएगा 0 से और 3 एकम 3, 3 तरह का 9, मतलब 30, है ना, 30 आ जाएगा। अब 30 आ गया, अब हम 1% आ गया हमारे पास, है ना। अब हम 100% निकाल ले रहे हैं, मतलब 100 का गुणा कर दो 1% में, तो 100 का यहां करेंगे तो यहां भी 100 का हो जाएगा तो 300 हो जाएगा, यहां गया 300, मतलब ये 300 जो है प्रतिशत में आया। तो अब अगर हम यहां 100 का गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे मतदाताओं की संख्या आ जाएगी, तो यहां आ जाएगा 3000 मतदाता और ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।